भाजपा के चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी इंजीनियर सरवन कुमार निषाद ने 91,958 वोट पाकर जीत हासिल की। आपको बता दें कि चौरी चौरा विधानसभा के प्रत्याशी सरवन निषाद ने अपने प्रतिद्वंदी सपा प्रत्याशी ब्रिजेश चंद्रलाल से 41,127 वोट ज्यादा पाकर जीत हासिल की, जबकि सपा प्रत्याशी ब्रिजेश चंद्रलाल को 50,831 वोट पाकर हार का सामना करना पड़ा, जिसके संबंध में भाजपा के चौरी चौरा विधानसभा के नवनिर्वाचित प्रत्याशी इंजीनियर सरवन कुमार निषाद ने बताया कि यह जीत चौरी चौरा की जनता की निषाद पार्टी व भाजपा को समर्पण है, क्योंकि यह चुनाव चौरी चौरा की जनता लड़ रही थी जिसने मुझे इतना ज्यादा वोट देकर विजयी बनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है, इसलिए जो भी कार्य चौरी चौरा में छूटे हुए हैं उसको पूरा किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए चौरी चौरा विधानसभा के भाजपा के नवनिर्वाचित प्रत्याशी इंजीनियर सरवन कुमार निषाद ने कहा, जनता का चुनाव था और जनता ने इसका रिजल्ट दिया है। मैं इस जीत को चौरी चौरा की जनता और भारतीय जनता और निषाद पार्टी के पदाधिकारी को समर्पित करता हूं। देखिए, ये जीत चौरी चौरा की जनता को समर्पण है, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की जनता को समर्पण है। और मैं पहले भी कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, चौरी चौरा विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है, जिसका रिजल्ट आपके सामने देखने को मिल रहा है। देखिए, भारतीय जनता विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ती है और ये विकास रुकने वाला नहीं है, ये जारी रहेगा और आगे भी अगले चुनाव में भी जारी रहेगा ये।